ओके सो क्वेश्चन नंबर 11, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी. अनलिस्टेड कंपनी पढ़ते ही DRR भी चाहिए, DRRI भी चाहिए. आपको बैलेंस शीट दिया है, ऑथराइज में इक्विटी इश्योर, इश्यूड में 20,000 इक्विटी इश्योर, PNL इज योर DP, 12% डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. जैसे ही डिबेंचर्स पढ़ेंगे इमीडिएटली आपको क्लिक होना चाहिए, DRR चाहिए 10% और DRRI चाहिए 15%. ठीक है, वो क्रिएट कर लेंगे. एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वॉज रिजॉल्व टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज 110 शेयर एट ₹15 पर शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड. दिस इज राइट शेयर्स. The option was taken up by all the shareholder. Fine. Next, issue 1 share for every 5 share held. Issue of 1 bonus share. So there are 2 types of bonus share: converting partly paid into fully paid up, and issue of new fully paid up bonus share. Here, company is allotting new fully paid up bonus shares. So there will be 2 entries: first for declaration of bonus, second for allotment of bonus shares. At the time of declaration, first we will use CRR. If CRR not there, we will use security premium. If security premium is not there, then we will use divisible profit. Okay, that working note we will do. Next, repay the debenture at a premium of 10%. Premium on redemption. Now we have to redeem the debenture. Redeem debenture date is not given. It means as on the balance sheet date, we have to redeem the debentures. They have not specified how many debentures to be redeemed. It means entire debentures to be redeemed on 31st March 2001. So, before starting with the solution, we should know what we have to do, what we have to do, what are the accounting entries we have to pass. So, first, bachcha log, we have to create DRR. 10% of the debenture. Second, we have to purchase debenture redemption reserve investment. Now, ये तो as per Companies Act 2013 कितना create होना चाहिए उसके requirement के हिसाब से हम कर लेंगे. अब question में बोला right share issue हुआ, तो third हम इसके बाद right shares का entry करेंगे. इसके बाद क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है बोनस शेयर, सो वी विल पास एंट्री फॉर बोनस शेयर. नाउ आफ्टर दैट दे हैव इनफॉर्म्ड टू रिडीम द डिबेंचर. नाउ व्हाइल रिडीमिंग द डिबेंचर, याद करो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, बिफोर रिडीमिंग द डिबेंचर फर्स्ट वी विल सेल डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट. नाउ इट इज सो ऑड दैट इन दिस पर्टिकुलर सम ऑन 31st मार्च I am telling you to purchase the DRRI, and on the same day, I am telling you to sell the DRRI. Why so? Bachcha log, as per Companies Act 2013, company ko DRR or DRRI karna padta hai create. Aapke question mein nahi hai, to hume wo legal provision complete karne ke liye redemption se pehle wo do cheez DRR create karna padega. और DRRI परचेज करना पड़ेगा. ये लीगल रिक्वायरमेंट थी. नाउ एट द टाइम ऑफ एक्चुअली रिडेम्पशन अब फंड्स की जरूरत है, तो जो DRRI खरीदा है वो बेच देंगे. अगर यही क्वेश्चन में आपका बैलेंस शीट डेट 1 अप्रैल का दिया होता और रिडेम्पशन 31st मार्च को होता, तो वो जो फर्स्ट टू एंट्री मैं बता रहा हूं वो 1 अप्रैल को करते, रिडेम्पशन 31st मार्च को करते. बट इस क्वेश्चन में 31st मार्च का बैलेंस शीट भी दिया है और रिडेम्पशन भी 31st मार्च को ही करना है, इसलिए परचेज ऑफ DRRI 31st मार्च को ही करेंगे और इन्वेस्टमेंट बेचेंगे भी 31st मार्च को ही. डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो.
शर्माना छोड़ डाल, डाउट अपना पूछ डाल, आजू बाजू मत देख, डाउट अपना पूछ डाल। अरे पूछ लो रे बाबा, शर्माने का नहीं। ओके चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ती है। सेल ऑफ डीआरआर के बाद अब रिडीम करना है, तो रिडीम करने से जुड़े हुए तीन एंट्रीज आएगी, इनफॉर्म, पेमेंट, राइटिंग ऑफ पीओआर। और उसके बाद हम क्या करेंगे मालूम है, डीआरआर को क्लोज कर देंगे और उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। हमें ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, मतलब कोई भी क्वेश्चन रीड करो तो क्या क्या करना है वो माइंड में क्लियर होना चाहिए, और ये सारी चीजें हमें 31 मार्च को ही करनी है। सर व्हाट अबाउट डिबेंचर इंटरेस्ट? बच्चा लोग, अगर 1 अप्रैल का बुक्स दिया होता और 31 मार्च को मैं क्लोज करता, देन इन दैट केस यस, मैं पूरे साल का इंटरेस्ट पे करके फिर रिडीम करता। बट आपके क्वेश्चन में 31 मार्च का ही बैलेंस शीट दिया है, रिडम्पशन भी 31 मार्च को ही करना है, तो फिर मैं कैसे डिबेंचर इंटरेस्ट पे करूं बच्चा? और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा भी तो नहीं है, मतलब ऑलरेडी इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है। इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। ओके ओके, सो पहले ये कॉपी कर लो। परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन रिवाइज करके आए हो बच्चा लोग? बट मैंने वेटिंग रूम ऑफ नहीं किया, आई थिंक सो। विधि, सो व्हाट शुड आई डू? मीटिंग लॉक करके रखा है क्या आप लोगों के इसका बैच का? विधि अनम्यूट करो। हाँ सर, मैं उसको एक बार इन्फॉर्म कर दूँ क्योंकि उसको बता रहा है कि जनरली आपके बैच का जब लेक्चर कंडक्ट होता है, हाँ सर, तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है ना? किसी किसी सर का नहीं होता, जैसे चिराग सर का हमें वेट करना पड़ता है, मतलब वेटिंग फॉर द होस्ट। लॉक करके रखते हैं क्या? हाँ, बट मैंने ऐसा कोई लॉक मीटिंग नहीं रखा है। मैं उसको बताती हूँ सर। हाँ चलो जर्नल ड्रॉ करेंगे। हेडिंग दे देना जो भी कंपनी का नाम है, जर्नल ऑफ सो एंड सो।
हुआ विधि उसका बेटा? हाँ सर, वो अभी ट्राई कर रही है। ओके चलो, पहला एंट्री फॉर क्रिएटिंग DRR, फॉर क्रिएटिंग DRR एंट्री विल बी अपने बैलेंस शीट में बच्चा लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एंट्री विल बी PNL अकाउंट डेबिट टू DRR। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, दैट इज 10% ऑफ 120,000, 12,000। ऐसे ही सेकेंड एंट्री, इन्वेस्टमेंट परचेस करना है, पहले खुद से ट्राई करो। सेकेंड फॉर परचेज ऑफ DRRI, इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15% ऑफ 120,000, दैट इज 18,000। कभी भी रिडेम्पशन से पहले इतना होना चाहिए, अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से एंट्रीज करते जाएंगे। फॉर राइट शेयर्स, कितना शेयर हेल्ड तो कितना राइट शेयर्स, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज 1 share फॉर एवरी 4 share हेल्ड। चार शेयर होगा तो 1 share मिलेगा, बैलेंस शीट में 20,000 share है तो 5,000 share। फॉर दैट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट ऑलवेज विथ इश्यू प्राइस टू इक्विटी शेयर कैपिटल विथ फेस वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विद द प्रीमियम वैल्यू। $75,000, $50,000, and $25,000 After right shares, bonus share, फोर्थ बोनस शेयर
अब बोनस शेयर के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हम वो देख लेते हैं. सो पॉइंट नंबर बी कहता है इश्यू ऑफ वन बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, one share for five held, bonus share, one share. So बच्चा लोग पहले से 20 था, 5,000 आपने राइट इश्यू किया, तो टोटल 25,000 शेयर हो गया. बोनस देने से पहले राइट डिक्लेयर हुआ है, सो अमाउंट ऑफ बोनस इज 5,000 × 10. डेफिनेटली बच्चा ये सब वर्किंग नोट में करना चाहिए, मैं जर्नल के अंदर ही कर दे रहा हूं. आप एग्जाम में जब करना तो इंश्योर करना इसको अलग से वर्किंग नोट में दिखाना. बोनस अमाउंट 50,000, पूरे 50. सबसे पहले CRR नाहीबा, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में नहीं है, बट इधर देखो राइट शेयर्स के थ्रू 25,000 आ गया. एंड देन डीपी इन दैट पीएनएल. सो बोनस शेयर की दो एंट्री आएगी, पहला डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, इसके बाद इशू का एंट्री आता है. इशू बोनस शेयर बोलो. डिक्लेरेशन ऑफ बोनस में सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 आएगा ना. अच्छा मैंने क्या ले लिया, ओके ओके ओके, माय मिस्टेक. कॉपी तो नहीं किया ना बच्चा लोग? नहीं. इश्यू ऑफ बोनस शेयर, एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. तो अभी हमने राइट शेयर्स दे दिया, बोनस शेयर्स दे दिया. अब रिडेम्पशन करने से पहले हम DRRI भेज देंगे, सेल ऑफ DRRI. पूरा क्वेश्चन देखा ना तुमने, कहीं पर भी बोला नहीं था कि पहले DRR परचेज करो फिर बेचो, बट ये लीगल प्रोविजन आपको मालूम होना चाहिए.
एंड बेस्ड ऑन दैट हमें खुद पहले DRR इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ा बिगिनिंग में और फिर हम उसे बेच रहे हैं. और बिगिनिंग हियर मींस एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. अब रिडेम्पशन करने की कितनी एंट्रीज करनी है? 3. इनफॉर्म, पेमेंट, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. इनफॉर्म, पेमेंट एंड राइटिंग ऑफ. कितना परसेंट डिबेंचर है? 12%. ओके, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 3% ऑफ 1,20,000. टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 123,600. डिबेंचर होल्डर टू बैंक 123,600. अब इसके बाद राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और क्लोज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ट्रांसफर इट टू जनरल रिजर्व. दो एंट्री आप कर दो.
5,06,400 टैली अमाउंट, ऐसा यश बोल रहा है। ओके चलो फिर कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सो अब क्वेश्चन नंबर चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इंफॉर्मेशन। The following balances appeared in the books of company. Unlisted, underline unlisted company. Other than AIFI, banking company, NBFC and HFC. Unlisted पढ़ते ही mind में आना चाहिए अपने को, DRR मांगता है, DRRI भी मांगता है। As on 31st December 2011, 6% mortgage, 10,000 debenture of rupees 100 each. इतना debentures है। Debenture redemption reserve for redemption of debenture 50,000. देखो debentures का amount कितना है total? 10,000 into 100. 10 लाख, और इसका कम से कम 10% DRR होना चाहिए। इन्होंने DRR क्रिएट किया है, बट इज इट सफिशिएंट? सो व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड डू, tell student, tell पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा DRR by 50,000 50,000 ऑलरेडी है, 50,000 का हम और DRR क्रिएट करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज लीन इज 1,50,000 और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15% होना चाहिए। तो देख लो इसका 15% 1,50,000 है, मतलब इस समय हमें इन्वेस्टमेंट फर्दर परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है 4% पर एनम रिसीवेबल ऑन 31st December एवरी ईयर। हर साल 31st December पर इंटरेस्ट मिलता है। बैंक बैलेंस विथ कंपनी रुपीज 9 लाख।
कंपनी का बैंक बैलेंस है 9 लाख रुपीज का। किस डे पर डिटेल दिया है? 31 दिसंबर पर ये सारे बैलेंसेस दिए हैं। ऑन 31 दिसंबर डिबेंचर 10 लाख है, रिजर्व 50,000 है, इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख है, बैंक बैलेंस 9 लाख है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2011। कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 31 दिसंबर 11 तक का पे कर दिया है। ऑन 28 फरवरी 2012, 2 महीने बाद, द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज एट पार, रियलाइज मतलब बेच डाला, एंड डिबेंचर वेयर पेड ऑफ एट 101, पेड ऑफ मतलब रिडीम कर डाला, 101 मतलब प्रीमियम पर, 1 रुपए का प्रीमियम है। राइट अप कंसर्न लेजर अकाउंट, ये एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन कट करो, इग्नोर टैक्सेशन। तो देखो बच्चा लोग, मैं डिबेंचर अकाउंट बनवाऊंगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनवाऊंगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनवाऊंगा और बैंक अकाउंट बनवाऊंगा, 4 अकाउंट, सारे अकाउंट 6-6 लाइन के। डेट कॉलम भी बना देना, बैंक के लिए थोड़ा ज्यादा लाइन छोड़ोगे तो अच्छा है। मैं डेट कॉलम नहीं बना रहा हूं, मैं बाजू में लिख दूंगा, बट आप डेट कॉलम बनाओ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट सो स्टार्ट करें बच्चा लोग।
चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में डिबेंचर्स का वैल्यू दिया था बच्चा लोग, 6% डिबेंचर 10 लाख, 31 दिसंबर 2011 क्लोजिंग, तो 1 जनवरी 2012 ओपनिंग, यहां पर लिखना 1/1/12 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 12 लाख. सिमिलर टू दैट 1/1/12 रिजर्व में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 12 लाख था या 10 लाख? 10 लाख था सर. 10 लाख, 10 लाख. रिजर्व है 50,000 और 1/1/12 इन्वेस्टमेंट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,50,000. तो अब क्या क्या करना है ना, फर्स्ट जैन 12 ओपनिंग हमने पोस्ट कर दिया, DRR क्रिएट करना पड़ेगा और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट सफिशियंट है, नहीं होता तो ये भी परचेस करना पड़ता. इसके बाद सीधा 28 फरवरी को क्या क्या करना है, तो सिंस वी आर रिडीमिंग द डिबेंचर, पहले हम क्या करेंगे, सेल ऑफ DRRI. बट बिफोर सेल ऑफ DRRI, इस क्वेश्चन में जो डेट दिया है और रिडम्पशन डेट सेम नहीं है, तो पहले डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन DRRI रिसीव करना पड़ेगा. लास्ट क्वेश्चन में डेट देखो क्या दिया था, बैलेंस शीट डेट पर ही रिडम्पशन हो रहा था. इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट डेट 31 दिसंबर 2011 का दिया था और रिडम्पशन 28 फेब को हो रहा है, तो 2 महीने का डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो जो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा था उस पर 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा और फिर रिडम्पशन से जुड़ा हुआ प्रोसीजर स्टार्ट होगा, दैट इज सेल ऑफ DRRI, रिडीम डिबेंचर एंड क्लोज DRR. ये 2 नए पॉइंट क्यों आ रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए. प्लीज रिप्लाई करो, या तो समझा या तो नहीं समझा. सो ये लिख कर रख लो, सो दैट फ्यूचर में जब रिवाइज करो ये DRRI पर क्रॉस कर देना, बिकॉज सफिशियंट है इसलिए मैं फर्दर परचेज नहीं करूंगा. लास्ट सम में सफिशियंट नहीं था इसलिए पहले परचेज करवाया था.
चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग का तो पोस्टिंग कर दिया, अब DRR क्रिएट करेंगे। फॉर दैट एंट्री विल बी PNL अकाउंट डेबिट टू DRR। ऑलवेज अज्यूम हमारे पास PNL तो होगा ही डिविजिबल प्रॉफिट में, तो यहां पर 1112। By profit and loss account 50,000। बाद में डाउट ना है इसलिए ब्रैकेट में लिख देना 10% ऑफ 10 लाख माइनस ओपनिंग बैलेंस। 10% ऑफ 10 लाख, 1 लाख माइनस ओपनिंग मेरे पास 50,000 था, तो इतना DRR मैंने क्रिएट किया। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने छोटे छोटे एग्जांपल करा दिए थे, इनफैक्ट बैंक का बैलेंस भी दिया था ना बच्चा लोग, 1112 बैंक में लिख दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था बैंक बैलेंस? 9 लाख। 9 लाख चलो ओपनिंग से जुड़ा हुआ हो गया। अब 28 फरवरी को पहले डिबेंचर इंटरेस्ट पे करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट पे करेंगे तो एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बाय डिबेंचर इंटरेस्ट 10 लाख का कितना परसेंट है? 6%। 10 लाख का 6% इंटू 2/12 10 लाख का 6% इंटू 2/12 अमाउंट 10,000। फिर इंटरेस्ट ऑन DRRI मिलेगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन DRRI 1,50,000 का 4% इंटू 2/12 1,50,000 का 4% इंटू 2/12 1,000। अब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, कहीं पर भी बोला नहीं किस प्राइस में बेचा है, तो जितनी वैल्यू है उतने में ही बेचा होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI 3 करना है, 3 एंट्री, इनफॉर्म पेमेंट राइटिंग ऑफ POR, इनफॉर्म डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, बट यहाँ पर रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है तो एंट्री होगी डिबेंचर डेबिट POR डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट।
6% डिबेंचर डेबिट 10 लाख, 1 रुपए प्रीमियम है 10,000 टू डिबेंचर होल्डर 10,10,000। तो डिबेंचर के डेबिट में, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टेन लाख, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो डिबेंचर होल्डर के क्रेडिट, बैंक के क्रेडिट में बाय डिबेंचर होल्डर। अरिहन से कॉल आ रहा है, तुम लोग लिखो तब तक। हेलो, ओके, सो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर क्रेडिट में आ जाएगा 10,10,000। ठीक है बच्चा लोग, फिर राइटिंग ऑफ पीओआर का एंट्री तो आता है बट उसका इंपैक्ट मेरे यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए उसका पोस्टिंग नहीं हो रहा है। फिर क्लोज डीआरआर, डीआरआर को क्लोज करके किधर डालेंगे, हो गया डिबेंचर रिजर्व इन्वेस्टमेंट टैली होगा, बैंक का जो बैलेंस आएगा बैलेंस कैरीड डाउन। जो ये टाइमलाइन बना नहीं पाएगा उसको नहीं समझेगा, इसके लिए आपको ऑलवेज ऑलवेज क्वेश्चन पढ़कर पहले थॉट प्रोसेस सोचना ये है कि हमें किस ऑर्डर में एंट्रीज करना है। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में डिबेंचर का रिडम्पशन बैलेंस शीट डेट पर ही था बच्चा लोग, इसके लिए उस समय ना मैंने इंटरेस्ट ना तो पे किया और ना ही इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रिसीव किया। ठीक है, बैंक बैलेंस कितना है बता दो,
बैंक बैलेंस 31,000, क्या बोलते हो? क्वेश्चन नंबर 10 पहले आप खुद रीड कर अप्लाई करोगे अपना माइंड, या मैं डायरेक्टली बताऊं? क्वेश्चन 10, बोलो। चलो ठीक है, पहले रीड करो क्वेश्चन, खुद का माइंड अप्लाई करो, सोचो क्या सफिशियंट है क्या सफिशियंट नहीं है, टाइमलाइन बनाने का सोचो। एक बार टाइमलाइन बना लिया ना तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो ट्राई करो, रीड करो।
चलो होप सो टाइमलाइन आप लोगों ने बना लिया है. सो मैं चालू करूं. ओके क्वेश्चन. द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड. अनलिस्टेड कंपनी पढ़ते ही इमीडिएटली माइंड में आना चाहिए DRRI भी मांगता है और DRR भी मांगता है. DRR will be equal to 10%, DRRI 15%. ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया है. डिबेंचर 7,50,000, बैलेंस ऑफ DRR 25,000. तो बच्चा लोग इसका 10% होना चाहिए 75,000, बट है सिर्फ 25,000, तो हमें 50,000 का और DRR क्रिएट करना पड़ेगा. DRR इन्वेस्टमेंट 1,12,500, 7,50,000 का 15%. आई थिंक सो इतना ही आता है. ओके सफिशियंट. तो इन्वेस्टमेंट परचेज करने की जरूरत नहीं है. रिप्रेजेंटेड बाय 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ ₹100 इज. ठीक है. एनुअल कंट्रीब्यूशन टू DRR वाज मेड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. DRR का कंट्रीब्यूशन हम 31st मार्च को करते हैं. एज ऑन 31st मार्च 2012, ये 31st अप्रैल 11 था. हाँ बच्चा लोग, as on 31st March 12, balance at bank was 7,50,000. मतलब बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया बट बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब यहां पर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले का बैंक बैलेंस दिया है. लेकिन कहीं पर भी बोला है डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने से पहले का है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है. सो दिस बैलेंस विल बी कंसीडर्ड एज आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन DRR. लास्ट सम का जो सॉल्यूशन मैंने किया था ना, उसमें देखो इंटरेस्ट भी लिया था जो डिबेंचर पर हम पे कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट पर भी इंटरेस्ट लिया था. इस समय सॉल्व करते वक्त मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा. काय को, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 31st मार्च का ये बैलेंस है और 31st मार्च को बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट का बैलेंस है. तो 31st मार्च तक सारे अकाउंटिंग एंट्रीज हो चुके होते हैं. वर्कर को सैलरी पे कर दिया होगा, रेंट पे कर दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल एक्सपेंसेस हैज बीन पेड ऑफ बट बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट. इस सब में मैं सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट का पोस्टिंग करवाऊंगा, डिबेंचर इंटरेस्ट पे क्या ऐसा नहीं करवाऊंगा. डाउट है पूछो, फिर मैं आगे बढ़ू. आगे द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबाउट इट. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 12. डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट. चलो स्टार्ट करो. टाइमलाइन देख लो. पहला 31st अप्रैल 2001 की डेट पर ओपनिंग रिकॉर्ड कर लेंगे.
लेकिन DRR क्रिएट बच्चा लोग 31 मार्च 12 को करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है ना एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू DRR वॉज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अगर ये लाइन नहीं दिया होता तो मैं 1 अप्रैल को ही DRR क्रिएट करवाता जितना शॉर्टफॉल है, बट एज पर इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना पड़ेगा। 31 मार्च को पहले मैं DRR क्रिएट करवाऊंगा, फिर इंटरेस्ट ऑन DRRI रिसीव करूंगा, फिर सेल ऑफ DRRI, फिर रिडीम और फिर क्लोज DRR। कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो ठीक है स्टार्ट करो, डाउट नहीं है तो स्टार्ट करो। मैक्सिमम 10 मिनट्स।
सेजल का बैलेंस आया 48,750, दैट इज बैंक बैलेंस सेजल। बाकी सबका हुआ? कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लो। सो अब एक ऐसा सम करेंगे जिसमें परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन अलोंग विद डीआरआर आ रहा है। क्वेश्चन थ्री, इसको ना तुम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करके लिखना, मैं अपने शीट में ऐड करवा रहा हूं ये क्वेश्चन 12। चलो देखते हैं इंफॉर्मेशन। On 1st April 2001, in MK Limited, unlisted company, other than AIFI, banking company, blah, blah, blah. In short, unlisted company ke liye DRR 10%, DRRI 15% mangta hai. Hame ledger diya 9% debenture appeared with the opening balance of 50 lakh. Divided into 50,000 fully paid debenture of 100 each issued at par. ठीक है, तो debenture है कंपनी का, debenture 50 लाख का. Interest on debenture was paid half yearly on 30th September and 31st March every year. साल में दो बार interest pay कर रहे, September और March में. On 31st May 2011, company purchased 8,000 debenture of its own. 98x interest per debenture. On the same day it cancelled the debenture acquired.
और सेम डे कंपनी ने इस डिबेंचर को कैंसिल कर दिया. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट. तो आपके इस क्वेश्चन को पढ़कर पहले मैं टाइमलाइन बनाकर आपको देता हूं. On 1st April 2011, huh? 1st April 2011. Question अगर आपने ध्यान से देखा है तो DRR के बारे में कौनो इंफॉर्मेशन नहीं दिए हैं. तो इन्होंने DRR क्रिएट किया है या नहीं क्रिएट किया है, ये पहला क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए. तो डेफिनेटली अगर आपके क्वेश्चन में DRR नहीं दिया है, मतलब उन्होंने अब तक क्रिएट नहीं किया है. अगर क्रिएट किया होता तो कैसे इसके पहले कि तुमने दो सम किए उसमें कैसे DRR DRRI क्वेश्चन में दिएला था, इधर दिएला है क्या? नहीं. तो अपने को क्रिएट करना पड़ेगा. तो ओपनिंग के साथ DRR और DRRI क्रिएट करना पड़ेगा, DRRI परचेज करना पड़ेगा. ठीक है, प्लीज रिप्लाई तनिक फास्ट. ओके, अब इसके बाद कंपनी साल में दो बार इंटरेस्ट देती है ऐसा दिया था, 30 जून 31 दिसंबर. डिबेंचर इंटरेस्ट और उसके बाद दिया था कंपनी ने खुद का डिबेंचर परचेस किया. देखो कभी परचेस किया, 31 मई 2011, और परचेस करके सेम डे पर कैंसिल किया है. परचेज एंड इमीडिएट कैंसलेशन. सितंबर एंड मार्च है. ओके, इंटरेस्ट डेट इज 30th September 31st March. अच्छा अब मुझे बताओ इस टाइमलाइन के अलावा, मैं क्वेश्चन ओपन कर दे रहा हूं, तुम सोचकर बताना और क्या होगा. हाँ, ये टाइमलाइन मैंने देख लो इतना बना दिया है. अब तुम्हें अपना माइंड अप्लाई करना है और मुझे बताना है कि ये ट्रांजेक्शन के अलावा और कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा. लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं. ये मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहा हूं. जो बताएगा डेरी मिल्क, क्लास में होता तो दे देता, बट ऐसा फील करना कि तुमको डेरी मिल्क मिल गया अगर राइट है तो. बाद में जब मिलेंगे लॉकडाउन के बाद तो दूंगा. प्राइवेटली चैट करना जिसको जवाब देना है. जस्ट कैन यू टेल मी द अमाउंट प्राइवेटली बेटा.
जस्ट इतना पॉइंट राइट है, बट इतना ही नहीं और भी कुछ होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थ्री है, मैंने जितना टाइमलाइन में पोस्ट किया उसके अलावा और कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा? टाइमलाइन में मैंने कितना पोस्ट किया वो देख लो। यस यस, अब परफेक्ट हुआ तुम्हारा। जश का पूरा राइट है और सुरभि का एक पॉइंट राइट है जो उसने रिप्लाई किया है। चलो गुड, चलो आगे देखते हैं। बच्चा लोग मैंने आपको याद करो, अगर थियरी जब आपको डीआरआर का पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको उस थियरी में इंपॉर्टेंट नोट करके लिखवाया था कि अगर डिबेंचर का रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में होगा तो प्रपोर्शनेटली डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सिमिलर टू दैट डीआरआर आई के लिए बताया था, अगर रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में होगा तो प्रपोर्शनेटली सेल ऑफ डीआरआरआई प्रपोर्शनेटली करना पड़ेगा। परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन इज एज गुड एज रिडम्पशन। तो यहां पर परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन जब होगा ना बच्चा लोग, मुझे डीआरआरआई सेल करना पड़ेगा और डीआरआर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब तक जितने भी सम किए ना हम लोगों ने, टोटल चार सम करा चुका हूं डीआरआर का, चारों सम में अगर तुम देखोगे तो सारे डिबेंचर रिडीम हो गए थे। तो सारे रिडीम हो गए तो मैंने सारा का सारा डीआरआर क्लोज कर दिया, जनरल रिजर्व में पोस्ट कर दिया, सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया। यहां पर कंपनी ने 8000 डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीदा है, मतलब 8000 × 100, 8 लाख फेस वैल्यू का डिबेंचर रिडीम हो रहा है। तो उसका 10% डीआरआर 80000 जनरल रिजर्व में चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट 1,20,000 का सेल करना पड़ेगा। देख लो, ऐसा मैंने कुछ नोट लिखवाया था डीआरआर और डीआरआरआई की थियरी में या नहीं, देख लो एक बार। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्ट मिलेगा डीआरआरआई पर। ईशा बच्चा, इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवेन फॉर डीआरआरआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवेन। अर्लियर इन टू सम्स रेट वेयर गिवेन, सो वी वेयर इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट, बट इन दिस सम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवेन, हेंस इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई इज नॉट कैलकुलेटेड, विल नॉट बी कैलकुलेटेड। और किसी को कुछ डाउट है पूछो। चलो स्टार्ट करेंगे। तो अब यहां पर देखो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम जो वर्किंग नोट कराते थे ना, जब जब परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन होता था, वैसे यहां पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सो सबसे पहले 1st April 2011, इसके पहले कंपनी ने इंटरेस्ट लास्ट ईयर 31st मार्च 2000
10 को दिया होगा, सॉरी 11 को दिया होगा, डिफरेंस 0 मंथ्स, फेस वैल्यू एंड इंटरेस्ट। कितना डिबेंचर था टोटल? आई थिंक सो 50 लाख था। यस इट इज 50 लाख। अब वो हेडिंग नहीं दे रहा हूं यार, अब आप लोगों को इतना सम कराया था तो आपको हेडिंग मालूम है। नेक्स्ट 31st मई के पहले 31st मार्च को इंटरेस्ट दिया था, डिफरेंस 2 मंथ्स, 8 लाख का परचेज किया, इंटरेस्ट अमाउंट 10। मेरी तरफ से बेटा चॉकलेट लेकर खा लेना। ओके 8 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 9% फॉर 2 मंथ्स, बोलो 12,000। फिर 30th सितंबर को छह महीने का इंटरेस्ट आएगा। कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर पर, ₹42 लाख पर, 9% फॉर 6 मंथ्स, 1,89,000 और 31st मार्च को भी वही आएगा। इसके बाद एक और वर्किंग नोट हम करते थे, CIP इज इक्वल टू EIP प्लस इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्वेश्चन में दिया था 8,000 डिबेंचर, 98x इंटरेस्ट, 8,000 into 98 7,84,000 प्लस इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 12,000 तो डिबेंचर अकाउंट बनाते हैं, DRR अकाउंट बनाते हैं, DRRI अकाउंट बनाते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बना लेते हैं। डिबेंचर होल्डर नॉट रिक्वायर्ड, 4 अकाउंट, 6 लाइंस।
डेट कॉलम भी बनाना है बच्चा, मेरे पास जगह कम है तो आप लोग डेट कॉलम बनाओ। लास्ट सम जो मैंने सॉल्व नहीं किया था ना जस, एक काम करना उसका फोटो खींचकर ग्रुप में डाल देना, बाय चांस किसी का नहीं हुआ होगा तो वो कम से कम देखकर लिख तो लेगा। ओके बच्चा लोग, अभी हम स्टार्ट करते हैं, टाइमलाइन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग, फर्स्ट अप्रैल 11, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50 लाख का डिबेंचर है। आपके क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो DRR नहीं दिया है, DRRI भी नहीं दिया है, तो हम DRR क्रिएट करेंगे और इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे ऑन 1st April 2001। टाइमलाइन में मैंने लिखा हुआ है DRR क्रिएट करेंगे, DRRI परचेस करेंगे। फॉर क्रिएटिंग DRR एंट्री विल बी PNL अकाउंट डेबिट टू DRR। किसी को नहीं समझता है तो एंट्री भी लिखते जाना। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख, दैट इज 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। फिर 1st April 11 को ही इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा फॉर परचेज ऑफ DRRI। परचेज करेंगे तो एंट्री DRRI डेबिट टू बैंक। $7,50,000, 15% of 50 lakh. ये हमने पहला 3 ट्रांजेक्शन कर लिया। अब 31 May को परचेज एंड इमीडिएट कैंसिल करना है, तो अपना परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन वाला एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट विथ फेस वैल्यू, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट विथ द इंटरेस्ट अमाउंट टू बैंक अकाउंट विथ CIP टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट। डिबेंचर 9% वाला है, 8 लाख का डिबेंचर खरीदा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक अकाउंट 7,96,000 टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 16,000। चलो पोस्टिंग करो पहले आप।
सो 9% डिबेंचर के डेबिट में, टू पीओसी, टू बैंक, टू पीओसी 16,000, टू बैंक 7,84,000, डिबेंचर इंटरेस्ट के डेबिट में, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, पोस्टिंग में कोई डाउट? ये मैंने परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन का पोस्टिंग कर दिया, ये पीओसी कैपिटल रिजर्व में जाता है, बट कैपिटल रिजर्व अकाउंट हमने बनाया नहीं है, बनाते तो ये एंट्री भी आ जाती। इमीडिएटली ऑन द सेम डे क्या करेंगे हम, DRRI बेचेंगे, कितने का? 15% ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड, 15% ऑफ डिबेंचर रिडीम, फॉर दैट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI ऑन 31st May बाय बैंक अकाउंट 15% ऑफ 8 लाख, 1,20,000 31st May सेल ऑफ DRRI बैंक टू DRRI ऑन द सेम डे 31st May ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व 10% बच्चा लोग ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड, तो DRR के डेबिट में टू जनरल रिजर्व 1,20,000 वेरी गुड। अब बच्चा लोग डिबेंचर इंटरेस्ट दो बार पे करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट के डेबिट में दो बार लिखेंगे टू बैंक पहला 30th September और दूसरा 31st March। हो गया, सब क्लोज करो। सिंस सारे डिबेंचर रिडीम नहीं हुए हैं तो डिबेंचर में बैलेंस आएगा, और सिंस डिबेंचर में बैलेंस आएगा तो बाय डिफॉल्ट DRRR में भी बैलेंस रहेगा 10% और इन्वेस्टमेंट में भी 15% उसका आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। दोनों पैरेलल चलेगा। और 31st March को डिबेंचर इंटरेस्ट
नॉमिनल अकाउंट है, पीएनएल में चला जाएगा। ये 42 लाख, इसका 10% ये होना चाहिए 4,20,000, और 42 लाख का 15% ये बचना चाहिए। और ये कितना है बच्चा? कितना आया? सो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा लोग हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट। मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर तक इसका नया पीडीएफ फाइल बन जाना चाहिए, दैट विल बी द फाइनल पीडीएफ फाइल। आई हैव मेड सो मेनी चेंजेस इन द क्वेश्चंस बिकॉज इस साल ये जो डीआरआर और डीआरआर है इसको समझना कैसे फाइनली। अर्लियर परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन में मैं नहीं करवाता था, अब करवा रहा हूँ, तो ये एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा? ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्लैरिटी पूरा डिटेल में दे दूंगा। इनिशियली मेरा इंटेंशन था तुमको सिर्फ परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन, परचेज एंड फ्यूचर कैंसिलेशन, डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे तो इंडिविजुअली इंट्रीज क्या होगी। अब हम ऐसे सम कर रहे जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है, परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन भी है, तो एग्जाम में हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, कब कैसे करना है, तो वो सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करके आपको बता दूंगा। इज इट क्लियर? ओके देन, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मोस्टली माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द ट्यूसडे। बाय बाय।